गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज है इवनिंग का टाइम और ये व्लॉग इवनिंग वाला ही है और कंटिन्यू कर रहे हैं इसको हम, प्रीवियस व्लॉग से एडिड है ये। तो आज हम मंदिर वगैरह देखे, मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है, फूल माला वगैरह सब लगा दिया है, भगवान को स्नान ध्यान सब हो गया है। अब बस डेकोरेशन करने के बाद राम भगवान की मतलब पूजा करेंगे। स्थापना तो भगवान जी की उन्होंने, मोदी जी ने कर दी है। अब हम सब लोग अपने अपने घरों में करने वाले हैं। तो बस इवनिंग के टाइम था, डेकोरेशन कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि ना अच्छा लगता है। और आज है समझ लो दिवाली, वो भी जनवरी वाली, और 22 जनवरी 2024 तो हमेशा सबको याद रहेगा। और क्यों ना याद रहे, इस दिन का तो सब लोगों को बेसब्री से 500 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो आज वो डेट ना अब हिस्ट्री बन जाएगी इन फ्यूचर के लिए। और अभी आप देख रहे हो मैंने सारी प्रिपरेशंस कर दी है, ताकि क्योंकि ना जब एकदम से पूजा करने बैठो ना, तो फिर सारी प्रिपरेशंस पहले से होना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ प्रसाद है, और यहाँ आप देख रहे हो ये येलो वाले अक्षत हैं जो आए हुए हैं मंदिर से, तो जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, सब लोगों को बांटे थे घर घर जाकर। तो वहाँ पर अभी आपको देख लिया आपने उनका स्थापना, जो मंदिर की स्थापना वाला जो पर्चा था, पैम्पलेट, वो भी हमने ऊपर रखा हुआ है। और आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, और लग ही रहा है वाकई में कि हाँ भाई आज तो दिवाली है। और राम भगवान का देखिए मैंने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। और नीचे आप देख रहे हो अब सारी मतलब प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट हो गई है। तो चलिए आगे चलते हैं और हमारे राम जी भगवान के भी दर्शन कर लीजिए। इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि क्या ही कहना। और जो मूर्ति अयोध्या में राम मंदिर में मतलब स्थापित की गई है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इतने सुंदर रामलला के दर्शन हुए हैं ना कि कुछ कहना ही नहीं। तो चलिए। अच्छा, मैं एक गंदी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता था। क्या बोल रही है, जल्दी बताइए। इधर आइए, इधर आइए मिठे, इधर आ जा तू, इधर आ जा धीरे धीरे की बच्ची। क्या है, बच्चों गंदे बच्ची हूँ मैं। अच्छा हाँ। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, हैं? तुम अच्छी हो क्या? हाँ, मैं अच्छी हूँ। ठंड हो रही है क्या? नहीं, ठंड नहीं हो रही है। नहीं हो रही। नहीं हो रही? हाँ। अच्छा, प्यार कर दो मम्मा को, ऐसे करो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने लैंप भी निकाल लिया था, और उन पे थोड़ा सा डस्ट वगैरह आ जाती है, तो उसको क्लीन अप कर दिया है। और मतलब पूरी डेकोरेशन हो गई, तैयारी पूरी कर चुकी हूँ मैं। तो घर आ गई और फटाफट से करूँगी पूजा, क्योंकि देखिए मेरे भगवान बैठे हुए हैं। और मैं गई हुई थी मंदिर, जैसा कि आप सबने देखा। और मंदिर से आने के बाद फटाफट से, और ये मेरी शॉल देख रहे हो, ठंड बहुत है तो शॉल वॉल ओढ़ ली जाए। और कितना प्यारा लग रहा है ना, सुंदर सा, बहुत प्यारा सा घर लगता है। क्यों? क्योंकि आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट मैंने कर दी है पूजा। सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे, और जल से स्नान कराऊंगी, और उसके बाद उनको मतलब मैं चंदन है, रोली है, इनका तिलक करूंगी, क्योंकि भगवान 500 साल बाद मेरे घर पर पधारे हैं। रहते तो हमेशा हमारे मन में थे, दिलों में थे, लेकिन आज उनको अपना एक स्थान मिल गया है, जहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे राम जी का मंदिर कहाँ है, कह सकते हैं अयोध्या में है। कृष्ण जी का मंदिर कहाँ है? वृंदावन है। तो उनके धाम मतलब रेडी हो गए हैं, और अब धाम से भगवान को जाना भी जाता है। तो यहाँ फटाफट कर लेते हैं आरती। पदकंजारुणं कंदर्पे अंगिडित अमित छवि नवनीरज सुंदरम पटिपीति मानहु तड़ित रुचि सुच नौमि जनकि सुतावरम भजु दीने बंधु दीने सिदानव दैति वंशिनी कंदनम रघुनंदे आनंद कंदे कौशल चंद्र दशरथ नंदनम
श्री मुकुट कुंडल तिलक चार्युदारे अंग विभूषणम आजानि भुज सर चापि धरि संग ग्रामिणी तिखर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मन जाहिराच। बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। बोले राम दरबार की जय। बोले संकट मोचन हनुमंत लला की जय। आपादारं कर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं नाभिवर्ण शुभांगम। हरि ओम। बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। सत्यम ज्ञान मनंतम नित्यमनाकाशम परिमाकाशम गोष्ठी प्रांगणी रिंखलि लोलिमनायासम परिमायासम माया कल्पित नानाकारि मनाकारम भुवनाकारम क्षमानाथि मनाथम प्रणिमति गोविंदम परिमानंदम प्रभु गोविंदम परिमानंदम। मृत्यु इस नाम सीहेति यशोदा ताड़न से सब संत्रासम व्याधिति वक्ता लोकिति लोका लोकि चतुर्दश लोकालिम लोकत्रय पुरी मूली स्तंभम लोकालोकि मनालोकम लोके संपरिमेशम प्रणिमति गोविंदम परिमानंदम प्रभु गोविंदम परिमानंदम गोविंदम परिमानंदम। दिवाली मैं मनाऊंगी मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय यहाँ रख दे मंदिर में। भगवान राम की हमने स्थापना का मतलब कर दी है और पूजा भी हो गई है और अब हम लोग कर रहे हैं अपने गुरु जी की पूजा। क्योंकि गुरु से कहते हैं ना गुरु से ही सारा ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे ये गुरु जी हैं तो उनकी आरती कर रहे हैं मिस्टर इंडिया। और आरती करने के बाद अब हम फटाफट से दिए वगैरह रखने जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं जितनी जल्दी सब कुछ हो जाए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हम गए थे मंदिर तो वहाँ पर भी मतलब स्थापना हुई थी आज भगवान राम दरबार की स्थापना की गई थी तो उन्होंने हमें मतलब वही होता है कि जो भी हो उनको बुलाया जाता है तो हम लोग भी गए थे वहाँ पर। दोपहर में भंडारा था दोपहर में हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि रामचरितमानस का पाठ भी हुआ था वहाँ पर तो उतना नहीं हो पाया था और फिर शाम को गए तो फिर थोड़ा लेट हो गया था तो मैं कहती जल्दी से आप फटाफट से दिए वगैरह रखते सब जगह गए और घर पूरा रोशन कर दे ताकि भगवान राम भी जल्दी से हमारे सबके घरों में पधार जाएं। चंद्र कृपाली भजि मनि हरणि भो भय दारुणम नविकंज लोचन कंज मुखी कर कंज पद कंजारुणम
कंदर्पी अंगड़िति अमिति छबिनव नीरि नीरज सुंदरम पटिपीति मानहु तड़िति रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनि बंधु दिनेश दानव दैति वंशिनि कंदिनम रघुनंदि आनंद कंदि कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। तो आप देख रहे हो मंदिर सज गया है, सब तैयारी हो गई है, पूजा पाठ कर लिया है, बस अब दीप प्रज्वलित करने हैं और सब जगह रखने हैं। तो बस वही वाला रह गया है, अब मैं फटाफट से जा रही थी। और मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, और भजन तो आपने मेरा सुना ही, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम जी सच में हमारे घर आ चुके हैं और अब सबके भाग खुलेंगे, सबके घरों में राम भगवान पहुंच गए हैं, अब सबके भाग अपने आप ही खुल जाएंगे जब उनकी आप मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब वो हमारे देश में आ चुके हैं, भारत में आ चुके हैं, और आने के बाद अब उनको स्थान भी मिल गया है। तो सबकी मन्नत, सबकी मनोकामनाएं वो जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। और राम भगवान के आप दर्शन कर लीजिए और ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु हनुमान की जय। तो ये हैं हमारे गुरुजी जिनकी अभी हम लोगों ने पूजा की है। उससे जलाओ ना मोमबत्ती से। जल्दबाजी रहती है तुमको। वो आपने अभी देखा मिस्टर इंडिया कितनी जल्दी जल्दी जला रहे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो लग रहा था कि जल्दी से पूजा पाठ हो जाए। उसके बाद मतलब कुछ भी काम आप कहते हो ना, जैसे दिवाली पे सारे घर में दिए हो जाएं और दिए रख दिए जाएं सब जगह, उसके बाद ही हम कुछ भी करते हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट से मिस्टर इंडिया को मैं कह रही थी कैंडल से जला लीजिए। यहाँ तुलसा माता में हमने सबसे पहला दीपक रख दिया है और अब हम अपने मतलब गेट पर रख रहे हैं। तो साड़ी वेयर कर रखी थी ना, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारी साड़ी और शॉल वगैरह मतलब दिक्कत ना करें, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप रखो। फिर मुझे लगा कि नहीं मैं ही रखती हूँ, क्योंकि ना मन नहीं मानता है कोई भी, ये वाला काम है तो वैसे भी लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए। तो अभी आप देखोगे, और इनका क्या है ना, ये किसी भी काम में मतलब पीछे नहीं हटते हैं, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, और बहुत मन से करते हैं हर सारा काम। हाँ मिस्टर इंडिया मेरी हेल्प कर रहे हैं और अब मैं उनसे कह रही हूँ लाइए मैं भी रख देती हूँ। और अच्छा लगता है ना अपने घर को डेकोरेट करना, दीप से मतलब दीपों से सजाना, और अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं भी आ गई, थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप देख रहे हो मेरे शॉल ना नीचे भाग जाती थी तुरंत तुरंत, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। और आगे बढ़ो। एक और तो पत्ती बचाना। एक दिया इधर और रख दो। थोड़ा 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 यहाँ जैसे वो डिस्टेंस है। इधर चिपका रहे हो, फिर गेट नहीं खोलेंगे? अंदर को खोल। कौन गाड़ी खड़ी है? बस बोलूं कुछ? बस पटाखे नहीं छुड़ाए हैं,
और मैं बोलूं पटाखे छुड़ाने रह गए हैं, बाकी देखिए पूरा घर जगमग, सब लोगों के घर इतने सुंदर लग रहे हैं कि कुछ कहने के ही नहीं। और ठंड के तो नज़ारे आप देख ही रहे हो, सारे के सारे अपने घर में घुसे बैठे हैं। बस दिवाली में फ़र्क ये है, महीने का फ़र्क है, वो होती है अक्टूबर में और ये है जनवरी में। और जनवरी की ठंड, आज हम रामोत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमारी अयोध्या धाम पावन पवित्र नगरी में नव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। ऐसे शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों की तरह हम भी अपने घर को जय श्री राम, जय श्री राम।